मैं सतीश कुमार उपाध्यक्ष अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ। मांग तो प्रमुख तीन है हमारी, एक तो छठे वेतनमान में जो भी विसंगतियां रही थी वो आज तक सरकार ने ठीक नहीं की और अब सातवां वेतन आयोग की अनुशंसाएं हो चुकी। हमारी मांग ये है कि 1/1/2006 से हमारी वेतन विसंगतियां दूर की जाएं और सभी स्टेटों में पूरे देश में शिक्षकों को समान वेतनमान दिया जाए, शिक्षकों के लाखों खाली पद पड़े हैं उनको भरा जाए। तीसरा, एक प्राथमिक शिक्षा के लिए एक आयोग बना जाए जिससे प्राथमिक शिक्षक और शिक्षा का सुधार हो सके। खास बात तो ये है, सरकार कोई भी रही हो बात करती है हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की, लेकिन शर्म की बात है स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों के लिए बिल्डिंग नहीं है, कॉलेजेस भी किराए के दुकानों में चल रहे हैं। दूसरा, शिक्षा का प्राइवेटलाइजेशन करके ये मेरे ख्याल से देश को शिक्षक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें हमारी सरकार के अलावा हो सकता है इंटरनेशनल साजिश भी हो। हमारी सरकार से ये मांग है सभी देश के जितने भी स्कूल हैं शिक्षक पूरे हों, परमानेंट शिक्षक हों, और जब तक परमानेंट शिक्षक नहीं आते जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अध्यापक हैं या शिक्षा मित्र लगा रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट की माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार समान काम का समान वेतनमान दिया जाए और जितने खाली पद पड़े हैं सरकार उनको तुरंत भरे। यदि देश का भला चाहते हैं, हिंदुस्तान का भला चाहते हैं, तो प्राइमरी शिक्षा को ऊपर उठाए बिना ऐसा संभव नहीं है। सर, अभी आपने बोला कि इंटरनेशनल साजिश हो सकती है, वो क्या साजिश हो सकती है? विश्व के देश ये मानते हैं कि हिंदुस्तान तेजी से बढ़ रहा है, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान बढ़े। उसके लिए हमारी सरकारों में भी कुछ आदमी ऐसे हो सकते हैं जो विदेशी एजेंट हों और वो ना चाहते हों कि देश में देश का भविष्य बढ़े, देश के बच्चे पढ़े, देश विश्व गुरु बने। एक खाली नारे से काम नहीं चलेगा, विश्व गुरु बनाओ। हालत तो स्कूलों की यहाँ तक है चौक तक उपलब्ध नहीं है, सरकारी स्कूलों में चौक तक उपलब्ध नहीं है। आप RTI से आंकड़े मांग लीजिए कितने स्कूलों में सरकारों ने चौक भेजे हैं, बाकी बातें तो बाद की हैं। चौक भी नहीं है, इससे बड़ी बात क्या होगी शर्म की। और बात करते हैं हमारी प्रगति इतनी होगी, हम कहाँ चले गए होंगे, लेकिन आगे पहुँचने के लिए प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो लोगों के एक ख्वाब जो दिखाने की आदत है सरकार को छोड़ने चाहिए, और वो दिन दूर नहीं। अगर सरकारी नीतियों पर चलती रही तो देश का ये बेड़ा गर्क होगा, तो उसकी जिम्मेदार हमारी सरकार होंगी, किसी पार्टी का नाम नहीं है। धन्यवाद।